नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमिस्मैटिक वर्ल्ड चैनल पर। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के हापाना और वन कॉड्राना के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं इन रेयर कॉइन के बारे में। पहला कॉइन है हापाना कॉइन। ये कॉइन किंग विलियम फोर के शासनकाल में बनाए गए थे। आप देख सकते हो इस कॉइन के अबोवर साइड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कोट ऑफ आर्म्स, जिसमें दो शेर हाथ में फ्लैग पकड़े हुए, उसके सेंटर में सेंट जॉर्ज का क्रॉस जो इंग्लैंड का प्रतीक है। 1835 जो कॉइन का ईयर लिखा हुआ है। कॉइन की रिवर्स साइड पर कॉइन की वैल्यू, सेंटर में इंग्लिश में हाफ आना और उसके ऊपर पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कॉइन के सराउंड साइड पर ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। इस कॉइन का मेटल कॉपर है, वेट 12.35 ग्राम, साइज 29.5 से 31.3 mm तक है। इस कॉइन का शेप राउंड शेप है। ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास मिंट में बने थे। कोलकाता मिंट में बने कॉइन की एज रिडीड एज मानी जाती है और बॉम्बे और मद्रास मिंट की एज प्लेन एज होती है। इसके अलावा इन कॉइन का मिंट की पहचान कॉइन के डायमीटर से की जा सकती है। जैसे कि बॉम्बे मिंट की कॉइन की डायमीटर 29.5 to 30.5 mm होती है। कोलकाता मिंट के कॉइन की डायमीटर 30.8 mm होती है। मद्रास मिंट के कॉइन की डायमीटर 30.7 to 31.2 mm होती है। जैसे कि इस कॉइन की एज प्लेन एज है और इस कॉइन का डायमीटर हम अभी देखते हैं। लगभग 29.5 से ज़्यादा और 30.5 से कम, यानी कि ये कॉइन बॉम्बे मिंट का है। इस कॉइन की कीमत की बात करें तो 1835 के बॉम्बे और मद्रास मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, उनके 800 तक आ सकते हैं। लेकिन कॉइन की वैल्यू उस कॉइन के कंडीशन के अनुसार बढ़ या कम हो सकती है। 1845 का कोलकाता मिंट का हाफ आना कॉइन रेयर कैटेगरी में आता है। इस कॉइन की प्राइस 7,000 से ज़्यादा मिल सकती है आपको। दूसरा कॉइन है वन कॉड्राना। इस कॉइन में आप देख सकते हो ओवर साइड पर कोट ऑफ आर्म्स ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस कॉइन का ओवर साइड और हापाना कॉइन का ओवर साइड सेम ही आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि दो शेर हाथ में फ्लैग पकड़े हुए, कॉइन का ईयर। लेकिन कॉइन की रिवर्स साइड पर कॉइन की वैल्यू जो सेंटर में पर्शियन और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये यूज कॉइन है, इस वजह से आपको डिज़ाइन नहीं दिख सकती, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है। कॉइन के सराउंड साइड सराउंड में इंग्लिश में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। इस कॉइन का मेटल कॉपर है और इस कॉइन का वेट 6.42 ग्राम, साइज 27.25 mm। इस कॉइन का शेप राउंड शेप है। ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इंग्लैंड मिंट में डाले गए थे। 1835 के इस कॉइन की मिंट डायमीटर से हम जान सकते हैं। जैसे कि बॉम्बे मिंट का डायमीटर 20.2 mm है, कोलकाता मिंट का डायमीटर 26.2 mm है और मद्रास मिंट का डायमीटर 25.5 mm है। जैसे कि इस कॉइन में आप देख सकते हो इस कॉइन का डायमीटर लगभग 25 mm से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ये कॉइन बॉम्बे मिंट का है। इस कॉइन की कीमत की बात करें तो 1835 के बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, उनकी कीमत 400 रुपये हो सकती है। वही 1857 इंग्लैंड मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं, उनकी कीमत आपको 7,000 रुपये तक मिल सकती है।
1858 का इंग्लैंड मिंट का कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी कीमत आपको 800 रुपये तक मिल सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ इरर कॉइन भी होते जिनकी कीमत आपको ज़्यादा मिल सकती है, जैसे कि ये जो कॉइन है ये इरर कैटेगरी में आता है। इसकी आपको दिखा सकता हूँ मैं, तो आपने देखा कि ये कॉइन 180 डिग्री में रोटेशन इरर दिखाता है। देखिए ये ओवर साइड की डिज़ाइन और रिवर्स साइड की डिज़ाइन, इस तरह के इरर कॉइन आपको ज़्यादा कीमत दे सकते हैं। तो हमेशा अपने कॉइन को ज़रूर चेक करें कि ये इरर कॉइन तो नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मज़ेदार जानकारी, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के लिए हमारा न्यूमिस्मैटिक वर्ल्ड्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।